लेन हाईवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। आयशा खाना वहां से जुड़ी हुई है। आयशा, हम देख सकते हैं तस्वीरों में हजारों की संख्या में पहुंचे हैं लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। एक अलग जोश है उनके बीच, प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। कह सकते हैं विकास की गाथा की हम बात करें, ये जो सड़कें हैं, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी जिसकी बात हम यहाँ पर करते हैं, उसकी झलक साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है इस हाईवे के शुरुआत होने से। जी हाँ बिल्कुल जया, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी अभी यहाँ भी पीएस कॉलेज ग्राउंड से निकले हैं और लोग उनका स्वागत करने के लिए काफी लंबी कतारें बनाकर खड़े हुए हैं दोनों सड़क के तरफ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए पहली बार है, 40 साल में पहली बार है कि एक प्रधानमंत्री मंडिया पहुंच रहे हैं और मंडिया के लोगों के लिए बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही खास दिन है। मंडिया की तस्वीर बदली है। एक वक्त था जब मंडिया के इन्हीं सर्कल्स पर, जब आज प्रधानमंत्री जहां से रोड शो करेंगे, इन सर्कल्स पर उदासी छाई होती थी, कई किसान नारे प्रदर्शन करते नजर आते थे और यहाँ पर किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते थे और लगातार सुसाइड के कारण हुआ करते थे। लेकिन आज मंडिया की तस्वीर बदली है, यही मंडिया के लोग किसान जो है यहाँ पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री इलाके में एक विकास की धारा लेकर आ रहे हैं, कैसे ये एक्सप्रेसवे जो है मंडिया को पूरे देश से जोड़ता है और इस क्षेत्र में जो टच लेन एक्सप्रेसवे है इसके जरिए विकास जो है, विकास और यहाँ की कनेक्टिविटी जो है एक विश्व स्तर की कनेक्टिविटी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये 10th लेन हाईवे जो है मंडिया बैंगलोर मैसूर ही नहीं बल्कि मंडिया और इसके आसपास के जो छोटे इलाके हैं, जो छोटे गांव है, श्रीरंगपट्टनम, चन्नापटना, बीड़ती, ये तमाम गांव है जो एक टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा है और एक आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है। देखिए बीड़ती जो है बैंगलोर मैसूर हाईवे का एक खास हिस्सा है जो आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो अब ये हाईवे शुरू होने के बाद इन तमाम इलाकों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेज हो जाएंगी और बैंगलोर मैसूर का जो सफर करने वाले लोग हैं वो करीब 75 मिनट में बैंगलोर मैसूर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, मंडिया की जो आईबी सर्कल है वहां से ये रोड शो शुरू हो रहा है। हजारों की संख्या में मंडिया के लोग, मथुर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले मैसूर आए थे लेकिन पहली बार है 40 साल में एक प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मंडिया के लोग सड़कों पर, कोने कोने पर जगह देखते हुए वहां पर खड़े हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और एक विशेष बात यह है जया, मंडिया के लोग प्रधानमंत्री के लिए विशेष गिफ्ट भी लाए हैं, यानी मंडिया क्योंकि एक शुगर बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, तो यहाँ के किसान अपनी तरफ से प्रधानमंत्री को मंडिया का विशेष गुड़ देना चाहते हैं, यानी गुड़ की मिठास से प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहते हैं। तो कई किसान जो हैं गुड़ के जो बड़े बड़े गिफ्ट पैक्स बनाकर यहाँ पर लाए हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि सड़क पर खड़े हुए हैं कई किसान गुड़ के गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट के गिफ्ट पॉकेट बनाकर और ये प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बहुत ही खास दिन है इन लोगों के लिए, मंडिया के लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया अब प्रधानमंत्री का काफिला जो है आगे बढ़ेगा गजलगिरे जो मथुर में है और इस जगह से करीब 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पर जो पब्लिक रैली होगी, जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा यहाँ से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस आईबी सर्कल से, फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे संजय सर्कल पर और यहाँ पर भारी मात्रा में किसान है। देखिए मंडिया कृषि प्रधान इलाका है और किसान उनका स्वागत करने के लिए आज पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इन किसानों के लिए सम्मान की बात है, केंद्र सरकार ने किसानों को किस तरह से उनकी आय दुगनी करने के लिए फ्लैगशिप स्कीम तैयार की है। तो किसानों में कुछ हद तक खुशहाली है
और जैसा कि मैंने बताया कि मंडिया वो डिस्ट्रिक्ट था कुछ समय पहले, यहाँ पर सीरियल सुसाइड केसेस यानी आत्महत्या की कहानियां सामने आती थी, किसान लोन के बोझ में दबे रहते थे। तो ये तमाम चीजें अब खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को एम्पावर किया है। किसान सम्मान निधि के तहत कई किसानों को उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के जरिए उन तक पैसा पहुंचाने का प्रयास किया है, एक राष्ट्रीय स्कीम किया है। तो ऐसे में यहाँ के किसान, खासकर मंडिया के किसानों की राय जो है बहुत अहम होती है। तो ये तमाम किसान और मंडिया के लोग जो है प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और काफिला आगे बढ़ रहा है और भारी मात्रा में लोग जनसंख्या जो है आगे भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। बिल्कुल आयशा, आपने यहाँ पर किसानों का जिक्र किया, छोटे छोटे गांव जो हैं, ये जो पूरे हाईवे के दोनों तरफ हैं, आज वो हम कह सकते हैं कि किस तरह से एक वर्ल्ड मैप पर आ जाएंगे। कनेक्टिविटी जो है, जब वो जो सड़कें जो जोड़ती हैं, वो एक नई ही वहाँ पर जो पूरी इकोनॉमी है उसको वहाँ पर एक विकसित करती हैं। किस तरह से आपको लगता है कि किसानों की जो तमाम योजनाओं का आपने जिक्र किया, कैसे केंद्रीय जो तमाम योजनाएँ हैं उसका असर, उसका फ़ायदा यहाँ पर हम ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं, उन किसानों को मिल रहा है, यही वजह है कि आज ये तमाम किसान अपनी खास भेंट लेकर, गुड़ लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। हम देख रहे हैं तस्वीरों में इतना ज्यादा उन पर फूल फेंके जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे वहां जो वहां का खास गुड़ है मांडिया का, उसको लेकर वो वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री को वो गुड़ भेंट करना चाहते हैं, फूलों की बारिश के बीच हम देख रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री खुद उन पे भी वापस उन्होंने फूल डाला, हमने भी देखा। तो ये स्वागत है, ये प्यार है उन तमाम लोगों का जो यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। आयशा, किस तरह से आप देखते हैं कि अगर हम पूरे उस राज्य की तस्वीर बदलती हुई यहाँ पे हम देखेंगे, बहुत ही एक मेजर टूरिस्ट सर्किट है वहां पर, हजारों की संख्या में लोग मैसूरु पहुंचते हैं, वो पूरा गांव है वहां पर रामलिंगम जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, कैसे शोले ने उस गांव को अमर बना दिया है, और वहां पर भी तमाम ऐसी योजनाओं की शुरुआत होगी जो अगर हम टूरिज्म की बात करें, पर्यटन के लिहाज से उस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलती यहां पर नजर आएगी। बिल्कुल, जो आर्थिक तौर पर एक इंडस्ट्रियल हब है, और ये अब बिड़की के आगे जो है रामनगर शहर है जिसे रमेश सिप्पी ने गढ़ बना दिया था, और ये बहुत ही अहम है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहाँ पर एक राम मंदिर है, तो बीजेपी सरकार ने ये ऐलान किया था कि इस पहाड़ी पर एक विशाल राम मंदिर भी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त एक छोटा राम मंदिर है और यहाँ पर कई रामायण से जुड़े कई कथाएं यहाँ पर मशहूर है। तो यही वजह है कि रामनगर को टूरिस्ट मैप का टूरिस्ट सर्किट से अहम तरीके से जोड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है, और आगे चलते हुए रामनगर जो है एक सिल्क सिटी माना जाता है, विश्व का सिल्क सिटी है। रामनगर में सबसे बड़ा सिल्क मार्केट है, और यहीं से सिल्क जो है देश के कोने कोने तक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाया जाता है, और इसके साथ साथ पार्क जो है रामनगर रमेश सिप्पी का रामगढ़ रहा, और ये जो लोकेशन है, जो रियल लोकेशन है, वो आज भी उसी तरह की पहाड़ियां हैं। अगर आप वहां से गुजर रहे होते हो तो आपके शोले का हर वो सीन याद आएगा, कहाँ सांबा बैठा था, कहाँ गब्बर सिंह खड़ा था, कहाँ से बसंती का टांगा गुजरता है, ये तमाम चीजें आपको नजर आती है वहां पर, क्योंकि ये रियल लोकेशन है। तो इसको भी एक थीम पार्क बनाने का प्लान है कर्नाटक सरकार के पास, और ये थीम पार्क जब बनेगा ये भी एक विश्व स्तर का टूरिस्ट बनेगा। और आगे चलते हुए जहाँ पर लकड़ी के खिलौने बहुत ही मशहूर है, लोकल से लोकल की बात करते हुए इन लकड़ी के चन्नपटना के लकड़ी के खिलौनों की बात कही है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बढ़ता जा रहा है। तो चन्नपटना से आगे आप आएंगे तो मंडिया है, मथुर मंडिया, ये दोनों शहर कृषि प्रधान शहर है, और मंडिया और जो है सुपर पावर ऑफ इंडिया माना जाता है, सक्कर कारखानाडु कहा जाता है कर्नाटक में, और यही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ थोड़ी इससे थोड़ा आगे अगर आएंगे तो प्रधानमंत्री मद्दूर पहुंचेंगे, और मद्दूर में गेजलगेरे ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल सभा, विशाल रैली है, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हजारों करीब लाखों की संख्या में, करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, इन तमाम लोगों को आज संबोधित करेंगे। तो बहुत ही हर दिन मंडिया के लोगों के लिए, मजदूर के लोगों के लिए 40 साल के बाद मंडिया मध्य प्रदेश छोटे शहर पहुँचते हैं, यहाँ के लोगों के लिए विकास की योजनाएं चलाते हैं। और जो 10 लेन एक्सप्रेस वे है, ये एक सौगात है इस इलाके के लोगों के लिए। और 10 लेन एक्सप्रेस वे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, बहुत ही एडवांस डिजाइनिंग और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसको तैयार किया गया है। और ये 10 लेन हाईवे का प्रधानमंत्री अब कुछ देर में अमरावती होटल के बने उसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। ये जो 10 लेन हाईवे है बैंगलोर से निकटता तक और फिर निकटता से मैसूर तक का 2 लेन है। और ये जो हाईवे है अलग अलग स्थल से बनाया गया है, इसमें ग्रीन फील्ड है और ब्राउन फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसके तहत इस हाईवे पर कई सारे इस हाईवे आते हुए आपको कई सारे ब्रिजेस मिलेंगे, रेलवे ब्रिजेस हैं, करीब 40 से ज्यादा ओवर ब्रिजेस और सबवेज यहाँ पर हैं। और खास बात ये भी है कि इस हाईवे को बनाते हुए यहाँ तक के यहाँ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि पशुओं को रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अलग सा एक ब्रिज बनाया गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा इलाका जो है कृषि प्रधान इलाका है, तो पशुओं को सड़क पार करते हुए दिक्कत ना हो, इसके लिए भी इस हाईवे में डिजाइन में इंटीग्रेट किया गया है। तो ये बहुत खास और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और एडवांस डिजाइन के तहत इस हाईवे को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री अब इस हाईवे का उद्घाटन अमरावती होटल के करीब करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में जो सर्कल के पास आप देख रहे हैं, ये वही सर्कल हुआ करते थे जया, जो पहले यहाँ पर किसान, नाराज किसान धरना प्रदर्शन करते रहे, कावेरी के पानी के लिए लड़ते रहे और अपनी जो लोन में उन्हें उन पर जो इंटरेस्ट का बोझ रहता था उसकी वजह से आत्महत्या करते रहे। तो ये वो सर्कल्स हैं जहां पर हमने कई बार धरना प्रदर्शन, किसानों के धरना प्रदर्शन देखते रहे, लेकिन आज मंडिया की हालत बदली है, तस्वीर बदली है। यहां पर किसान आज प्रधानमंत्री को बड़े गर्व से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, अपनी मिठास के साथ, मंडिया की मिठास के साथ गुड़ के गिफ्ट लेकर किसान यहाँ पर प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं सड़कों के दोनों ओर भारी मात्रा में लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार करते रहे। जी बिल्कुल आयशा, तस्वीर यहाँ पर बदली है। दूसरा समय संवाददाता कह रही हैं कि पहले जो तस्वीर थी वो थी किसानों के प्रदर्शन की, अपनी हक की लड़ाई की, अपनी मांगों के साथ, लेकिन आज वही प्रदर्शनकारी जो किसान है वो गर्व के साथ मांडिया की मिठास लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने, उनका स्वागत करने। फूलों की बारिश के साथ वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और हमेशा से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी स्नेह के साथ उनके अभिवादन को स्वीकारते हैं और वो भी उनके ऊपर वापस फूलों की बारिश कर रहे हैं। यही जो रिश्ता है, जो रिश्ता है एक प्रधान सेवक का अपने जनता के साथ, उसकी झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं इस रोड शो में। बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 275 बेंगलुरु निदाघटा मैसूरु खंड, जिसको आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जो समय लगता था वो अब एकदम आधा हो जाएगा। करीब 10 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसमें 4 रेल ओवरब्रिज, 9 महत्वपूर्ण पुल, 40 छोटे पुल और 89 अंडरपास और ओवरपास का विकास भी इसमें हुआ है। बेहद कम समय में ये बनकर तैयार हुआ है, जिसे आज प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। आयशा, प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, आज वो संवाद कर रहे हैं वहां के लोगों से, आज वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। किस तरह से लगता है आपको कि ये जो चुनावी हलचल है वो आज प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने पर एक अलग ही रफ्तार पकड़ लेगी?
जी बिल्कुल, कर्नाटक में अगले महीने चुनाव है और बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से काफी उत्सुक हैं कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और यहाँ पर विकास की योजनाओं का आगाज करना और शिलान्यास करना, ये बहुत अहम है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। देखिए, बीजेपी हमेशा से ये मानती रही है, हमेशा से एक्सेप्ट करती है कि बीजेपी का ओल्ड मैसूर रीजन में ये जो इलाका है, मंड्या, मद्दूर, चामराजनगर, ये तमाम इलाके जो हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ओल्ड मैसूर रीजन कहा जाता है। और बीजेपी हमेशा से इस बात को एक्नॉलेज करती है कि इस क्षेत्र में बीजेपी को और मेहनत करनी होगी और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते रहे हैं और विश्वास लोगों में जताते रहे, केंद्र सरकार की योजनाओं दूर दूर तक पहुँचाते रहे हैं। तो ये ओल्ड मैसूर रीजन बहुत ही अहमियत रखता है बीजेपी के लिए और इस क्षेत्र में करीब 61 सीट है और बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में अगर बीजेपी 30 या 35 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी कर्नाटक में एक स्थिर सरकार बनाने में बीजेपी के लिए आसानी हो सकती है और बीजेपी अपनी जो विकास की गति है उसे बरकरार रख सकती है। तो ये जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है, जो उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर, यही वजह है कि लगातार पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे थे, हाल ही में उन्होंने यहाँ के कोऑपरेटिव को बहुत ही उन्हें संगठित किया है और मंडिया में एक नई कोऑपरेटिव सोसाइटी, विशाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी गठन हुआ है, मनमूल नाम से शुरू किया है। तो यहाँ के किसान भी अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से काफी उन्हें इन किसानों को लाभ हो रहा है और कई किसान और कई जो लाभार्थी हैं आज प्रधानमंत्री के सामने स्टेज पर रहेंगे और ये तमाम लाभार्थी जो है अपनी बात भी यहाँ पर लोगों के सामने रखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों को संबोधित करेंगे तो मंडिया के लोगों को, खासकर मंडिया के किसानों को, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उन तक ये योजनाएं पहुंची हैं, उस बात का जरूर एहसास भी दिलाएंगे कि कैसे इससे उन्हें लाभ हो रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बेहद ज्यादा उत्साह है क्योंकि ओल्ड मैसूर रीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और ये जो एक्सप्रेस हाईवे है जो इस पूरे क्षेत्र को एक गति देता रहा है, ये इसके तहत इस इलाके का विकास और तेज हो सकता है। और हमेशा से ये गढ़ राजनीतिक तौर पर माना जाता है कि जेडीएस का गढ़ है और कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है, लेकिन बीजेपी के लेकिन मैसूर में तो बीजेपी के जो एमपी हैं, जो प्रताप सिम्हा हैं, उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं, बीजेपी का जो बीजेपी की जो प्रेजेंस है उसे और मजबूत बनाया है। तो प्रधानमंत्री का आज मंडिया पहुंचना बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह दो गुना करता है और उन्हें यही उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये पहुंच है यहाँ तक, जो प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के दिलों में रहेगी। और खास बात ये भी है जया, हमने देखा आगे बढ़ते हुए सड़कों पर प्रधानमंत्री ही नहीं लेकिन उनकी मां की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई है लोगों ने। तो ये प्यार झलकता है लोगों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, ये स्नेह है प्रधानमंत्री के साथ जो सीधा लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। यही वजह है कि आज हीराबा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ है, उनकी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर सड़कों पर लगाई गई हैं। तो मंडिया के लोग जो हैं बहुत ही भावुक, कुछ हद तक भावुक लोग भी माने जाते हैं और उनके लिए भावनाएं भी बहुत अहम, भावनाएं और रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। तो हीराबा की तस्वीरें जो है हम सड़कों पर देख रहे हैं, लेकिन हीराबा की तस्वीरें गुजरात में दिखना अलग बात है लेकिन मंडिया में हीराबा की तस्वीरें लगी है, लोग प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ साथ हीराबा की तस्वीरें भी लगाई है। तो ये एक कहीं ना कहीं मंडिया के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत और उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट बनाने की कोशिश है और वो प्रधानमंत्री जो स्वागत हो रहा है इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो साफ झलक रहा है। बिल्कुल है, तो प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत मंडिया पहुंचने पर और फूलों की बारिश के साथ वहां के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं।
तो देश भर में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने से जुड़े प्रधानमंत्री के विजन का ये प्रमाण है कि कैसे हम जो अपनी अवसंरचना परियोजनाएं हैं उनके विकास में एक तीव्र गति यहाँ पर देख रहे हैं। बेहद कम समय में देश भर में जिस तरह से ये तमाम जो हाईवेज हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं, इस प्रयास में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस परियोजना में NH 275 के बेंगलुरु निदाघटा मैसूर खंड को 6 लेन का बनाना भी शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। इसमें बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट ही रह जाएगी और इस क्षेत्र में कैसे सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा उस पे लगातार हम उसकी वानगी यहाँ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मैसूरू खुशाल नगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगे। 92 किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये परियोजना बेंगलुरु के साथ कुशाल नगर के परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रा अवधि को लगभग 5 घंटे से घटाकर केवल 2.5 घंटे करने में मदद मिलेगी। कह सकते हैं यात्रा की अवधि वर्तमान की तुलना में बिल्कुल आधी रह जाएगी। तो रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री का, मांड्या में आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और बेहद शानदार स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे और इस परियोजना से किस तरह से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलती नजर आएगी ये हमें लगातार हम इसकी वानगी देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा है। लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, आज अगर हम बात करें पूरे दिन की बात करें तो मांडा के बाद IIT धारवाड़ भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुना हमने IIT के लोगों के कि कैसे आज के बाद वो कह सकते हैं अगर संरचना की बात हो तो बेहद आत्मनिर्भरता की ओर वो कदम उठा रहे हैं। 2019 फरवरी में उन्होंने इस पूरी परियोजना की आधारशिला रखी थी और अब वो बनकर तैयार है। जी हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री एक तरफ कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दे रहे हैं कर्नाटक में, कर्नाटक को इसके जरिए इकोनॉमिक ग्रोथ डबल इंजन सरकार की एक देन बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में भी काफी कुछ कर्नाटक के लिए कर्नाटक को जैसे नजर आते हैं, क्योंकि अब IIT जो है धारवाड़ IIT लंबे समय से उत्तर कर्नाटक के लोगों का एक सपना था और धारवाड़ के सांसद जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी लगातार इसके लिए कई सालों से उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया था और आखिरकार 2019 में IIT जो है धारवाड़ को बजट में अलॉट किया गया और अब ये IIT तैयार है। तो यहाँ की जो उच्च स्तरीय शिक्षा है और यहाँ के जो एडवांस कोर्सेज हैं इन तमाम एजुकेशनल फैसिलिटीज के जरिए ना केवल कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए भी एक बहुत ही अहम एजुकेशन डेस्टिनेशन होगा। और खासकर उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर कर्नाटक में अभी तक 2 दौरे कर चुके हैं और इन दोनों प्रधानमंत्री के दौरों पर प्रधानमंत्री ने करोड़ों के पैकेजेस जो है उत्तर कर्नाटक हुबली और बेलगाम में उन्होंने ऐलान किया था। तो आज हुबली रेलवे स्टेशन जो हुबली का सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है विश्व में इसको प्रधानमंत्री समर्पित देश को समर्पित करेंगे। तो ये बहुत अहम है। हुबली एक आर्थिक कैपिटल है कर्नाटक का, एक आर्थिक सिटी डेवलपिंग सिटी है कर्नाटक की और हुबली को इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़कर यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी और खासकर स्मार्ट सिटी की कई अलग अलग योजनाएं जो है इस शहर में
लागू किए जा रहे हैं उसके तहत हुबली एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर तैयार होगी। देखिए जैसे जैसे बड़े बड़े शहरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव बढ़ रहा है तो ये टू टियर सिटीज जैसे हुबली, धारवाड़, बेलगाम, मांडिया, ये तमाम जो टू टियर सिटीज हैं इन सिटीज पर अब इन सिटीज में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं देकर अब इन सिटीज को डेवलप करना होगा ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो बड़े शहरों पर जैसे बैंगलोर पर दबाव है तो ये तमाम एक्टिविटीज जो है धीरे धीरे इन टियर टू सिटीज पर टू सिटीज जा सके। तो यही वजह है कि इन सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सुविधाएं, कनेक्टिविटी और एजुकेशनल फैसिलिटीज देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को डबल इंजन सरकार का जो एक कर्नाटक के लोगों में एक नारा है डबल इंजन सरकार के जरिए विकास, इसको जमीनी हकीकत बना रहे हैं। और ये जो है आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो सौगात है हुबली के लोगों के लिए और मैसूर, बैंगलोर मैसूर लोगों के लिए ये बहुत अहमियत है। देखिए मैसूर हाईवे की बात अगर हम करें ये महज मैसूर बैंगलोर मैसूर के बीच ट्रैवल टाइम कम नहीं करता बल्कि इसके जरिए आगे ऊटी फिर कुशालनगर यानी कूर्ग जाना हो या फिर केरला जाना हो तो इन तमाम क्षेत्रों को पहुंचने में आपका वक्त और कम होगा यानी फ्यूल कंजम्पशन की कमी। और उसके बाद क्योंकि सड़कें हाईवे सड़क है 8 लेन है तो उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अब हाईवे तो तैयार हो गया है लेकिन अब इस हाईवे के साथ साथ बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तैयारी भी केंद्र सरकार कर रही है क्योंकि इस हाईवे के जरिए बेहतरीन बस सर्विसेज अगर देंगे तो लोग कम से कम सड़कें कार पर उतरेंगे, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, जो एनर्जी ट्रांजिशन है जो फ्यूल सेविंग की बात जो सरकार करती रही ये जो है ये भी एक हकीकत बनेगी। तो ऐसे में ये बैंगलोर एक्सप्रेस हाईवे और हुबली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT का उद्घाटन करेंगे तमाम चीजें जो है कर्नाटक के लोगों के लिए एक नेशनल स्ट्रीम लाइन के साथ जोड़ते हुए कर्नाटक को दक्षिण भारत में एक बेहतरीन प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर उभारने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आयशा ने कि ये सिर्फ बैंगलोर और मैसूर के बीच की दूरी खत्म कम नहीं कर रहा बल्कि श्रीरंगपटना की बात करें, कुर्ग की बात करें, ऊटी और केरल जैसे क्षेत्रों तक भी जो पहुंच है उसको और बेहतर करने की और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है ये पूरा हाईवे जो है। जिस तरह से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि कैसे ये सड़कें अपनी पहुँच बढ़ा रही हैं, कैसे ये तमाम उन लोगों को, उन क्षेत्रों के लोगों को उनकी तस्वीर बदलेगी, उनके जीवन को बदलेगी। आयशा यहाँ पर हमने आपने टूरिज्म की बात करी, पर्यटन की बात करी, किसानों के सही उनको सही मूल्य मिले, उनको अपना सही मेहनत का फल मिले, सही उनको आमदनी हो, किस तरह से तमाम योजनाएं हैं जो उन तक पहुंच रही है उनकी तस्वीर को बदल रही है, उनके जीवन को बदल रही है, उसका भी हमने जिक्र किया और यही वजह है वो आज अपनी मांडिया की मिठास लेकर यहाँ पहुँचे हैं। कैसे आप देख रही हैं, कौन सी जो तमाम योजनाएं जो चलती हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली से, यहाँ के राजनीतिक गलियारों से वहाँ वो जमीनी स्तर पर पहुँच रही है और वहाँ के लोगों के जीवन को एक बड़ा बदलाव दे रही हैं? देखिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को एम्पावर किया है, किसानों को किस्तों में, अलग अलग किस्तों में, 3 किस्तों में डायरेक्टली उनके खाते में केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपए की निधि पहुंचाते रहे। देखिए खासकर छोटे किसानों के लिए ये निधि बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ये इस पैसों के जरिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी मशीनरी हो या फिर बीज हो ये खरीदने में उन्हें काम आता है। तो बड़े किसान भले ही इससे ज्यादा प्रभावित ना हो लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत अहमियत है। इसके तहत कर्नाटक में करीब 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को हर क्षेत्र में यादगीर हो या फिर हुबली, बेलगाम, बैंगलोर के ग्रामीण इलाके और मंडिया में, क्योंकि मंडिया में सबसे ज्यादा तादाद किसानों की है तो यहाँ पर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को इसके जरिए बहुत ही लाभ मिलता रहा है। और किसान हमेशा से ये कहते रहे हैं कि कैसे इस निधि के जरिए उन्हें अब ज्यादा कर्ज पर डिपेंड नहीं करना होता। देखिए इस क्षेत्र में किसान पहले ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे रहते थे और यही वजह थी कि यहाँ पर लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला होता रहा लेकिन अब ये नजर नहीं आता। मंडिया की हालत बदली है, कर्नाटक में किसान
कहीं आत्महत्या करते हुए कोई खबर सामने नहीं आती, क्योंकि किसानों के पास जरिया है, किसानों के पास अपनी आय को अपनी जो इनकम है उसे डबल करने के कई जरिए हैं। अब किसानों के लिए मिलेट्स के जरिए अपनी आय और अपनी जो प्रोडक्ट है उसे बढ़ावा, उसको डबल करने की किसानों के पास उसका जरिया है। मंडिया क्षेत्र जो है रागी के लिए जाना जाता है, ये मिलेट का सबसे अहम क्रॉप है रागी, और यहाँ पर किसान रागी के जरिए अब कैसे, अब जिस तरह से केंद्र सरकार मिलेट को बढ़ावा दे रही है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रही है, ऐसे में मंडिया के किसानों के लिए कई इनकम के सोर्सेज हैं, कई जरिए हैं, और मंडिया के किसान भी अब रागी को महज यहाँ का साधारण लोकल फूड के अलावा अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग तरीके से पेश करने के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेट के जरिए मंडिया के किसानों के लिए बहुत अहम बाजार खुल रहा है, तो ये उनको एम्पावर कर रहा है। और उसके अलावा जो जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ने भी यहाँ के किसानों को लोन, जो लोन कर्ज के तरह दबे रहते थे किसान, उसके लिए भी सरकार ने एक कानून पारित किया था और कहा था कि किसानों को एक फिक्स परसेंटेज के तहत लोन दिया जाए और उन पर ज्यादा दबाव ना डाला जाए। तो उसके बाद किसानों में ये जो परेशानी थी वो भी कम हो गई है, और इसके साथ साथ किसानों के लिए जो अब इस सड़क के जरिए किसानों के लिए अपने उत्पाद, अपने शुगर केन जो क्रॉप है उसको फैक्ट्रियों तक, कारखानों तक पहुंचाने के लिए अब किसानों को ज्यादा वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक अहम है। और इसके जरिए किसान तेज गति से अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो क्रॉप कारखानों तक पहुंचाते हैं उसको, उसे भी इस सड़क के जरिए बल, किसानों को बल मिल सकता है। तो किसानों की अगर हम बात करें तो मंडिया वो शहर है, मंडिया वो क्षेत्र है जहां पर किसानों की अगर खुशहाली है तो ये माना जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में खुशहाली आ सकती है। तो ये अहम बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एम्पावर करने के लिए जो कोशिशें करते रहे, मंडिया के किसानों तक ये तमाम कोशिशें पहुंचती रही है। बिल्कुल, इस वक्त हम देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं मांड्या में, कर्नाटक के मांड्या में रोड शो उनका जारी है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों के दोनों ओर लंबी कतारों में खड़ी है, और प्रधानमंत्री की गाड़ी पर उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री कर्नाटक के मांड्या में हैं और उन्होंने वहां पर रोड शो किया, जिस दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की, लंबी कतारें हमें नज़र आई सड़क की दोनों ओर, लोगों ने उन जयकारे भी लगाए। और रोड शो के बाद कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 16,000 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर हैं, कर्नाटक से मैसूर पहुंचेंगे और बैंगलोर मैसूरू एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करेंगे, और ये एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच की यात्रा को 3 घंटे से घटाकर जो समय है वो लगभग 75 मिनट कर देगा। लेकिन सिर्फ यहाँ बेंगलुरु मैसूरू की बात नहीं हो रही है, तमाम जो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, जो इलाके हैं, हम बात करें कुर्ग की, हम बात करें ऊटी की, और यहाँ तक कि केरल तक भी इसका जो असर है वो नज़र आएगा, किस तरह से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी इस विकास की सड़कों के ज़रिए हम देखेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सिद्धा रोड स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी करेंगे। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको मान्यता दी है, इस रिकॉर्ड को करीब 20 करोड़ की लागत से ये जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। और भी तमाम योजनाओं की प्रधानमंत्री लीव रखेंगे। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो धारवाड़ के ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धारवाड़ बहुग्राम जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे।
तो बेहद अहम है ये प्रधानमंत्री का दौरा। कई सौगातें लेकर आए हैं आज वो कर्नाटक के लोगों के लिए। आयशा, यहाँ पर हम किसानों की बात कर रहे हैं, किस तरह से किसानों को सशक्त किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें व्यापार की, बेंगलुरु आईटी सिटी कहा जाता है, हमारे देश की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, किस तरह से आप देखते हैं जब बात होती कनेक्टिविटी की, तमाम तरह के समिट्स इस वक्त G20 के जब अध्यक्षता की बात हो रही है, तमाम तरह के समिट्स हम कर रहे हैं पूरे विश्व भर से, जो डेलीगेशंस हैं, जो व्यापारी मंडल है वो आज पहुंच रहा है भारत। भारत को द मोस्ट फेवर्ड नेशन की हम बात करें, अगर बिजनेस की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तमाम जो चीज़ें हैं वो अब भारत के नाम के साथ जुड़ गई हैं। किस तरह से लगता है अब आपको ये जो तमाम जो कनेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान सरकार की ओर से दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो उसका पूरा रिपल इफेक्ट है वो यहाँ पर भी नज़र आएगा, अगर हम बात करें पूरे देश के व्यापार को बढ़ाने की, जो हमारी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसे और पंख देने की? जी हाँ, देखिए, बैंगलोर भारत का सिलिकॉन सिटी माना जाता है और बैंगलोर वो शहर है जो ग्लोबल मैप पर आईटी के लिए जाना जाता है। और अब ये बैंगलोर शहर से जो आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, अब इसको बैंगलोर से बाहर लाने की कोशिश है और यही वजह है कि इसे अब मैसूर, मैंगलोर, हुबली, बेलगाम और धारवाड़ जैसे टीयर टू सिटीज में आईटी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं। और विश्व स्तर पर देखा जाए तो बैंगलोर G20 में भी बैंगलोर वो डेस्टिनेशन है जहां से कई डेलीगेट बैंगलोर के आईटी हब का आईटी हब और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं और यहां पर यहां के जो सक्सेस स्टोरीज है उसे देखना चाहते हैं। हमने देखा बैंगलोर में जितने भी G20 मीट हुए यहाँ पर तमाम डेलीगेट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते रहे, जो पेटेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने तैयार किए उन्हें देखना चाहते रहे और ये इंफोसिस जैसे वर्ल्ड क्लास ग्लोबल जायंट जो आईटी कंपनी है वहां का दौरा किया। तो बैंगलोर सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया तो है ही और अब यही वजह है कि इस शहर को शहर पर दबाव बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव बढ़ने के चलते अब टीयर टू सिटीज जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज ग्रोथ के लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटीज तैयार की जा रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एक प्लान है कि जो एक्सप्रेस हाईवे के जो दोनों साइड में जमीन है वहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए जगह देगी, राज्य सरकार को इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज कॉरिडोर बनाने के लिए जगह दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें सड़क के साथ जुड़ी हुई हैं, कनेक्टिविटी एक अहम ब्रिज है इस पूरे डेवलपमेंट के लिए, इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और अब इस शहर में जो डेवलपमेंट इन तमाम शहरों में जो छोटे शहर हैं इस सड़क से जुड़े यहाँ पर भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काफी स्कोप बढ़ाया जा सकता है। तो यही वजह है कि एक एक्सप्रेस वे अगर एक शहर दो शहरों को जोड़ता है तो उसके बीच का जो रास्ता होता है उसके हर एक एक पड़ाव पर इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक ग्रोथ और सामाजिक एम्पावरमेंट यानी सोशल एम्पावरमेंट। और तमाम लोग उनका स्वागत करते हैं, कर्नाटक के जो फोक आर्ट है, डांस कल्चर है उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया मंडिया के लोग हद तक बहुत ही सोशल पारिवारिक वैल्यू से जुड़े होते हैं तो प्रधानमंत्री को एक अपने मेहमान की तरह वो उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
बिल्कुल हम देख सकते हैं बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मांडा के जो लोग हैं वो अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आयशा लगातार बता रही है हमारे संवाददाता कि कैसे बेहद सरल सहज लोग हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, अपने जड़ों से जुड़े हुए, और जो कर्नाटक की लोकगीत और संगीत के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिवादन किया जा रहा है। इसके पहले हमने देखा कि कैसे रोड शो के दौरान भी बेहद गर्मजोशी के साथ, बेहद उत्साह के साथ हजारों की संख्या में लोग कतार बनाकर खड़े रहे सड़क के दोनों तरफ और प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की और उनका स्वागत किया। मांडिया वो पहुँचे हैं और एक लंबे समय के बाद एक प्रधानमंत्री पहुँचा है इस मांडिया के जगह पर, और यही वजह है कि बेहद गर्मजोशी के साथ, लोक संस्कृति के रंगों के साथ, लोकगीत संगीत के साथ, ढोल के नगाड़ों के साथ, उसकी थाप के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ही उतनी खुशी के साथ, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ उनके इस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और उनके इस गीत संगीत और उनकी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। आज कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ के दौरे पर हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है जहां इस पूरे इलाके के लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव वो लाने वाला है। साथ ही साथ अगले वहां चुनाव है तो प्रधानमंत्री के वहां मौजूदगी वहां भाजपा कार्यकर्ताओं को भी एक अलग ही जोश के साथ भर रही है। आयशा हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो भारत है वो वर्ल्ड मैप पर एक बेहद प्रमुख पोजीशन पर आ गया है। पूरा विश्व पूरे विश्व में इस वक्त सभी की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। कैसे कोरोना के बाद की स्थिति से जो उत्पन्न स्थिति है उसमें एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर यहां भारत उठता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ देर पहले रोड शो की तस्वीरें हैं, हमने देखा कितने जोश के साथ रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। दूर दूर से लोग पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, जयकारे लगाते हुए, प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए और उन पर भी फूल बरसाते हुए। मौसम भी वहां गर्म रहता है लेकिन इतनी धूप में और गर्मी के बावजूद हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही थी कि सिर्फ फूल लेकर ही नहीं पहुंचे हैं बल्कि मांडा की मिठास लेकर पहुंचे हैं। किसान अपना गुड़ लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का मुंह मीठा करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले तस्वीर कुछ और होती थी। तस्वीर होती थी जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब किसान यहाँ पर फूल लेकर स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। आयशा, कैसे एक विभिन्न क्षेत्रों में भारत की जो प्रगति है उसकी वानगी हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। आज वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर के तौर पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी जनरेटर के तौर पर भारत की पहचान हो रही है। कैसे आप देखती हैं कि ये जो तमाम योजनाएं हैं ये ना सिर्फ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन देने का, एक हौसला बढ़ाने का उन्हें मौका दे रही है, उन्हें अवसर दे रही है, साथ ही साथ वर्ल्ड मैप पर जो भारत की जो पोजीशन है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जया आपने। ये बात सामने नजर आती है जब G20 की जो भारत की अध्यक्षता में जो मीटिंग हो रही है अलग अलग शहरों में, ये साफ तस्वीर जो है G20 देशों के सामने भी नजर आती है। और जब इस G20 बैठक में डेलीगेट्स भारत की उन तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, खासकर कुछ लो इनकम नेशंस वो चाहते हैं कि भारत ने जो लोगों के लिए फ्लैगशिप स्कीम्स तैयार की है, वेलफेयर स्कीम्स तैयार की है, ये उनके देश में
उन्हें डुप्लीकेट करने में भारत मदद करे। तो ये एक उदाहरण बनता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में इन तमाम योजनाओं को उस दिशा में तैयार किया है, जिस तरह से देश का हर एक शख्स को यानी लास्ट मैन इन द क्यू तक उसके लाभ मिले। तो ये जो योजनाएं हैं, विदेशी जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो लो इनकम नेशंस हैं, वो चाहते हैं कि अपने देशों में, अपने देश में इस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट किया जाए। तो हमने देखा कि कैसे हेल्थ क्षेत्र हो या फिर एनर्जी ट्रांजिशन क्षेत्र हो, ईंधन क्षेत्र हो या फिर अलग अलग फाइनेंस क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्र में G20 के मंच पर भारत ने अपनी तरफ से फ्लैगशिप स्कीम्स टेक्नोलॉजी के साथ कैसे विकास की योजनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, ये प्रदर्शित किया है। और खास बात, पैंडेमिक के दौरान भारत ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू की थी, ये हर G20 के मंच पर नजर आता है और हर देश इस बात को एक्नॉलेज करता है कि ये जो है जिस तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, इसके लिए कई देश भारत के तरफ आभार प्रकट करते हैं। और भारत ने उस दौरान जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया वैक्सीन्स के लिए हो या फिर कोरोना डिटेक्शन के लिए हो, टेक्नोलॉजी का जो भरपूर इस्तेमाल किया, ये भी विश्व के सामने है। और अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में देखें तो भारत ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के जरिए और इसरो के जरिए भारत ने जो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी तैयार की है, ये तमाम चीजें भारत को विश्व में एक लीडरशिप के रोल में, खासकर ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रोल में भारत को देखा जा सकता है। और कई जो देश है भारत के इन प्रयासों की सराहना करते हैं। US जैसा देश भी भारत के साथ स्टार्टअप में की पार्टनरशिप बनाना चाहता है, स्टार्टअप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहता है। और US अपनी तरफ से भारत को एक अहम पार्टनर मानता है इकोनॉमिक क्षेत्र में या फिर डिफेंस क्षेत्र में। तो हर एरिया में, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने किसी न किसी तरह से एक लीडरशिप के कई उदाहरण आगे रखे हैं। और जैसे कि पिछली बार मंच पर शिमोगा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व न केवल देश में बल्कि विश्व में सराहा जाता है। और उन्होंने कुवेम्पो, कर्नाटक के राष्ट्रकवि कुवेम्पो के कविताओं से उन्होंने कुछ उदाहरण दिए और कहा कि जो कुवेम्पो विश्व मानव की बात करते थे, आज वो विश्व मानव विश्व के कई नेताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में नजर आते हैं। तो ऐसे में भारत एक लीडरशिप का रोल धारण करते हुए डेवलपमेंट के पद पर, डेवलपमेंट के एक्सप्रेस वे पर आगे बढ़ रहा है। और भारत का जो विजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, ये एक उदाहरण है। और G20 की अध्यक्षता इस वक्त भारत के पास है, तो ऐसे में भारत के लिए ये अहम बन जाता है कि भारत अपने देश के लोगों को एम्पावर करने के साथ साथ कैसे ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बने और ग्लोबल साउथ के अलग अलग क्षेत्रों में भारत अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रदर्शन भी करे। बिल्कुल, किस तरह से भारत आज तमाम क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, किस तरह से एक नेतृत्व की भूमिका में यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसकी वानगी हम यहाँ साफ देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के दौरे पर हैं, मांड्या में PM का रोड शो हुआ पहले और उसके बाद यहाँ पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। आयशा, हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर कैसे इन पूरे जो परियोजना है, कैसे उनकी आधारशिला रखी गई, कैसे उनको मूर्त रूप दिया गया, उसकी एक झलक यहाँ पर प्रधानमंत्री देख रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की। जी बिल्कुल, इस प्रदर्शनी में बहुत ही दिलचस्प 3 डायमेंशनल मॉडल्स रखे गए हैं बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे के। और
उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इससे रूबरू करा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू से लेकर उसके अंतिम पड़ाव तक इसको लागू किया गया। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं। हर 6 महीने बैंगलोर मैसूर पहुंचते थे और हर बार वो हेलीकॉप्टर के जरिए इसका जायजा लेते रहे और इस रोड में जो फीडबैक्स गांव के लोग देते थे, कई एमपी, कई यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बदलाव चाहते थे, वो बदलाव उन्होंने इसमें इंटीग्रेट किया और ये तमाम लोगों की राय को उन्होंने शामिल किया। तो यही इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं और अलग अलग फेजेस इस रोड के जो अलग अलग बाईपास है, अलग अलग दिशाओं में जो रोड की डायवर्शन है, वो तमाम चीजें 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट के तहत, मॉडल के तहत प्रधानमंत्री को समझाया जा रहा है, प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है कि कैसे ये रोड तैयार हुआ और इस रोड के बनने के बाद कैसे इस क्षेत्र को, खासकर ओल्ड मैसूर क्षेत्र को विकास की गति मिल रही है और कैसे बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे, अब बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे पर अब विकास भी एक तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, कैसे एक विकास गति के साथ यहाँ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं तमाम परियोजनाएं और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब किसी भी परियोजना की शिलान्यास किया जाता है, किसी परियोजना की शुरुआत की जाती है। तो हमने इतिहास देखा है पिछले एक दशक में कि कैसे रिकॉर्ड टाइम में, रिकॉर्ड समय में उन परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। यहाँ जवाबदेही तय हो रही है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए कैसे अगर कोई वादा किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है, कैसे उसे पूरा किया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयशा, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिकॉर्ड टाइम में ये परियोजना को खत्म किया गया और आज हम इसको देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस परियोजना को रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया और इसे 2 फेज में बांटा गया था, जैसे बैंगलोर से नितगट्टा और फिर नितगट्टा से मैसूर, यानी दोनों तरफ से ये सड़क बनकर तैयार हुई। यानी इस बात का इंतजार नहीं किया गया कि बैंगलोर से मैसूर तक सड़क अलग अलग फेज में बनाया जाए, तो इसी वजह से ये इस सड़क को 2 फेज में बांटा गया, क्योंकि जब ये रोड बन रही थी तो मैसूर के तरफ से भी और बैंगलोर के तरफ से भी एक साथ पैरेलली इसे डेवलप किया गया, इस रोड को बनाया गया। यही वजह है कि 2 फेज में इसे